रविवार को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अजनी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय इंटर मॉडल स्टेशन IMS प्रोजेक्ट यदि लोगों को नहीं चाहिए तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। इसे प्रकल्प के लिए मंजूर की गई 1200 करोड़ रुपए की निधि वापस चली जाएगी। अजनी वन को बचाने के लिए चल रहे विरोध के बीच अब नितिन गडकरी जी ने भी इस बात पर अपना मत व्यक्त किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट अगर जनता नहीं चाहती तो नहीं होगा। फिलहाल इस प्रोजेक्ट से जुड़े कोई याचिका कोर्ट में दायर नहीं है। प्रोजेक्ट के लिए नियुक्त ठेकेदार ने काम में देरी से काम छोड़ दिया है। सांसद औद्योगिक महोत्सव को लेकर हुई पत्र परिषद के बाद उन्होंने पत्रकारों से चर्चा में यह बात कही। उन्होंने कहा कि अजनी में प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय इंटर मॉडल स्टेशन IMS प्रोजेक्ट यदि लोगों को नहीं चाहिए तो इसे रद्द कर दिया जाएगा। इससे प्रकल्प के लिए मंजूर की गई 1200 करोड़ रुपए की निधि वापस चली जाएगी। के विकास के ऊपर काफी लिखते हैं, विदर्भ का पिछड़ापन ही अपने विधायक सांसद सब मिलकर विदर्भ का विकास होना चाहिए, विदर्भ आगे होना चाहिए, यही बात कहते हैं। कुछ प्रमाण पर आपके तरफ से भी हमारा विकास कैसा हो, इसके ऊपर अनेक अखबारों के द्वारा उन मुद्दों को उठाया जाता है और उसके कारण फिर लोकप्रतिनिधि के ध्यान में वो विषय आते हैं और उसका फॉलो होकर वो काम पूरा होता है। एक प्रकार से औद्योगिक क्षेत्र में हमारे देश में टोटल जो देश का विकास हुआ है उसमें 8-12% कंट्रीब्यूशन GDP ग्रोथ में एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर का है और 22-24% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 52-56% जो है वो सर्विस सेक्टर का है। जो MSME हमारे देश की, इनका टोटल ग्रोथ में 30% उनका कंट्रीब्यूशन। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com।